खबर रीवा जिले से है, जहां स्व सहायता समूह की जिला अध्यक्ष गीता त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि साझा चूल्हा जिसमें छात्रों का खाना बनता है उसे उनसे ना छीना जाए, क्योंकि पूर्व में भी महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को यह काम दिया गया था 2007 से पहले, जिस पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ था। ज्ञापन पत्र में मांग की गई है कि इस व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि 2007 से पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका तदर्थ समिति के माध्यम से भोजन बनाकर बच्चों को खिलाती थी। तब कार्यकर्ताओं पर सेक्टर सुपरवाइजरों तथा CDPO के माध्यम से इस योजना में फर्जीवाड़ा करने के आरोप खूब लगते थे, जिससे कुपोषण भी चरम पर पहुंच गया था। 2007 के बाद महिला स्व सहायता समूह को जब से पोषण आहार की व्यवस्था सौंपी गई है, तब से मध्य प्रदेश में कुपोषण ग्राफ तेजी से गिरा है। अगर महिला स्व सहायता समूह से आंगनवाड़ी के पोषण आहार का काम छीना गया तो लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश में महिला स्व सहायता समूह से जुड़े परिवार बेरोजगार हो जाएंगे, जिससे सरकार की छवि महिला विरोधी और प्रदेश की जनता को बेरोजगारी में धकेलने वाली बन जाएगी। जिसमें मांग की गई है कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लिए गए दुगलकी और जन विरोधी निर्णय पर रोक लगाई जाए, यही तमाम मांगे ज्ञापन पत्र में की गई है। आप भी सुनिए जिला अध्यक्ष गीता त्रिपाठी ने क्या कुछ जानकारी दी है। से हैं, मैं रीवा जिला अध्यक्ष गीता त्रिपाठी हूँ, और जो शासन ने ये योजना बनाई है हम लोगों को साझा चूल्हा छुड़ाने का योजना बना के और ये नियम लागू कर दिया है कि 1 अगस्त से ये लागू कर देंगे, लेकिन ये बहुत ही निंदनीय है। हमें शासन से अपना ये अधिकार चाहते हैं कि हमारा अधिकार ना छीना जाए और जैसे पहले था, और पहले भी 2007 से पहले ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करती थी तो बहुत ही बड़ा घोटाला इसमें हुआ था, फर्जीवाड़ा समस्या सामने आई थी, और अब जो शासन ने हम लोगों को दिया है साझा चूल्हा MDM संचालकों को, तो ये फिर से छीनने का ये कोई ये बना रही है नियम, तो हम चाहते हैं कि नियम ना बनाए, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में पूरे जहाँ ये लागू है संस्था तो कम से कम 20-32 हज़ार से मतलब 1,32,000 कुछ महिलाएं हमारी इसमें सम्मिलित हैं, तो जो बेरोजगार होगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारी मध्य प्रदेश सरकार होगी, और हम चाहते हैं कि जो भी हमारी पहले नियम लागू थे वही रहें। इसी के साथ ये इसको हटा के बाल विकास को साझा चूल्हा दे रहे हैं इनको, आंगनबाड़ी जो सहायिका हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, लेकिन हम लोगों को जो है कि हम लोगों को कोई भी समस्या होती तो सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों को पहले था कि 100% मिलना था, 60% केंद्र देती थी, 40% हमारी राज्य सरकार देती थी, तो उसको भी कम करके इन्होंने 60% कर दिया, उसमें भी हम लोग चल रहे थे, जैसे भी है इतना महंगाई है सभी को पता है कि महंगाई चरम पे है, फिर भी हम लोग मेनू के अनुसार तो नहीं जैसा भी उनको था अपना दाल चावल पूड़ी सब्जी पूरा खिलाते थे, और इसमें भी अब शासन ने हम लोगों का पेट में ये एक कुठाराघात है जो शासन हम लोगों के साथ महिलाओं के साथ कर रही है, और जो लाडली बहना की योजना चला के ये फर्जीवाड़ा किया है, और इसी के कारण लाडली बहने के कारण मध्य प्रदेश में सरकार आई है सबको पता है, तो मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं जो भी इन्होंने विचार किया है इस पर पुनर्विचार करें और अपना ये निर्णय वापस लें। लाडली बहना योजना जो आई उसमें तो अब देखा जा रहा है कि बहुत सी ऐसी महिलाएं जिनको पैसा भी नहीं दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा ना, सब ये फर्जीवाड़ा है, ये पता नहीं कैसे शासन के जिनको नहीं नियम है कि अरे हम लोग भी दूर हैं, सहायिका तो कम से 7,000 सहायिका 7,000 तनख्वाह पा रही है, वो तो बेरोजगार नहीं है, लेकिन जिस महिला से ये छीना जा रहा है वो बेरोजगार हो जाएंगी। अभी ना आपने किसके नाम से? मैंने ये कलेक्टर के नाम से मुख्यमंत्री को देने का आवेदन दिया है, और अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 16 तारीख को इसी 16 जुलाई को हम लोग बहुत भारी मात्रा में यहीं पे बहुत भारी आंदोलन करेंगे, और अपने जो हमारे यहाँ के डिप्टी सीएम सर हैं उनके भी यहाँ आवास में हम लोग घेराव करेंगे। हमारा नाम है गीता त्रिपाठी, हम प्रांतीय समूह संगठन के जिलाध्यक्ष हैं। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं।
आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।